लॉकडाउन के दौरान मथुरा पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला गोवर्धन क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी लोकेश भाटी कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए टीम के साथ पैदल मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने सूचना मिलने पर जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अन्य 5 आरोपियों को धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। सर, जैसा कि आज धारा 144 के उल्लंघन में कुछ लोगों को जेल भेजा था, क्या कारण? कल दिनांक 3-4 की बात है, चित्रा टेका के आसपास कुछ लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। तो चूँकि वो 144 का उल्लंघन भी कर रहे थे, तो 144 के उल्लंघन के संबंध में मुकदमा लिखा गया और जुआ के संबंध में मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया। और दूसरा आज का प्रकरण है, आज सुबह कुछ लोग 144 का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं, उनके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। सर, टोटल कितने लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई? टोटल 10 लोग हैं। कल 5 लोग पकड़े गए थे जुआ खेलते हुए 144 का उल्लंघन करते हुए, और आज सुबह भी कस्बा गोवर्धन के कुछ 5 लोग थे जो खड़े थे और 144 का उल्लंघन कर रहे थे, जिनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की। ये सभी कस्बे के निवासी हैं? ये कस्बा गोवर्धन के ही रहने वाले हैं।